नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोविड मैनेजमेंट गाइड। जी हां, इस समय देश में कोरोना की जो हालत है, लोग जिस तरह से बीमार पड़ रहे हैं और बीमार पड़ने के बाद जिस तरह का पैनिक फैल रहा है, या तो ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कई बार रेमडेसिविर के इंजेक्शन को मिलने में इशू है, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन इसलिए भी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कोरोना की किस स्टेज में आपको क्या करना चाहिए, कब आपको होम आइसोलेशन में रहना चाहिए, कब तक आप घर पर ही रह के अपना इलाज कर सकते हैं, इलाज में किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी दवाइयाँ ली जा सकती है अगर आपका किसी डॉक्टर से संपर्क नहीं हो रहा है, कब आपको हॉस्पिटलाइज हो रहा है, हॉस्पिटल में भी जाने के बाद आपको किस श्रेणी में, क्या आपको सीधे आईसीयू में भर्ती हो जाना है। तो ये तमाम गाइडलाइंस आई हैं एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और ICMR की तरफ से। जाहिर तौर पे दो सबसे बड़े संस्थान भारत के अगर कोई गाइडलाइन दे रहे हैं तो विश्वसनीय होगी, लेकिन इन गाइडलाइंस को समझने की जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उसमें आपको सीधे तौर पे समझ में ना आए कि क्या करना चाहिए, और यही समझाने की आज कोशिश हम कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में। इसमें हमारे साथ एक खास पैनल है जिसमें शामिल हो रहे हैं डॉक्टर राजेश चावला साहब, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है रेस्पिरेटरी मेडिसिन के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली से। साथ ही डॉक्टर अपर्णा जायसवाल, आप डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी की फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल से, और साथ में शामिल हो रहे हैं योग गुरु और लाइफ कोच मिकी मेहता साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो अपर्णा जी, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं, और डेफिनेटली आपने ICMR और एम्स के गाइडलाइंस देखे होंगे, दो तीन अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है इसमें लोगों को। तो अगर हम सबसे पहली श्रेणी की शुरुआत करें जहां पर वो कह रहे हैं कि एक नॉर्मल पेशेंट मतलब जो कोरोना तो जिसको हो चुका है लेकिन अभी उसमें कोई खास सिम्टम नहीं है, कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है जहां आपको पैनिक बटन नहीं दबाना है, वो हिस्सा इन गाइडलाइंस का क्या कहता है मैडम जी? नमस्कार। सबसे पहले बहुत बढ़िया है कि हम सब इधर मिल रहे हैं, और मेन मुद्दा हमारा ये है कि हम सब इकट्ठे मिलके कोविड को फाइट कर सके विदाउट एनी पैनिक। तो ये जो गाइडलाइंस आई हैं, इन्होंने बहुत क्लियरली, इन्होंने और इनसे पहले भी हम हमेशा यही बोलते थे कि कोविड जो है माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर कैटेगरी में माना जाता है। हम सबको ये समझना है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन माइल्ड से ही गुजर कर निकल जाएंगे। सो अगर ये कोविड की डायग्नोसिस होती है, पैनिक नहीं करना है। और माइल्ड क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, जो कि आपका सवाल है। माइल्ड वो होता है जिसमें कि हमें मालूम पड़ गया है कि हम कोविड से ग्रस्त हैं, इन्फेक्शन आया है, हमारा जो RT-PCR आया है वो पॉजिटिव आया है। माइल्ड इन्फेक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें कि मरीज को बॉडी में थकावट महसूस होती है, गला खराब हो सकता है और फीवर आ सकता है और हेडेक हो। और हम जब सैचुरेशन घर पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सैचुरेशन को हम मानते हैं, एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए। हम ऑक्सीमीटर से जब नापते हैं, हमारी जो सैचुरेशन है 94 से ज्यादा है। ये याद रखना है कि हमारी अगर सैचुरेशन रूम एयर पे, जैसे हम अभी बैठे हैं, 93 से 94 है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अक्सर देखा गया है पेशेंट्स चाहते हैं कि वो 97-98 तक लेकर जाना चाह रहे हैं, देयर इज नो पैनिक। अगर आपकी रूम एयर पे सैचुरेशन 94% है, आपको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल फीवर है, रेस्पिरेटरी रेट आपका बिल्कुल सही है, उसे हम माइल्ड डिजीज बोलते हैं। इसको फर्दर श्योर होने के लिए अगर आपका फीवर चलता रहता है 3 से 4 दिन तक, तब हम कुछ एक सेट ऑफ ब्लड टेस्ट करते हैं। वो ब्लड टेस्ट फर्दर हमें बताते हैं कि हमें माइल्ड डिजीज है, वी शुड नॉट पैनिक, ये जो इतनी दवाइयां हैं हमें कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लूइड हाइड्रेशन, मतलब हम अच्छे फ्लूइड्स पिए, हम अपने फीवर को कम रखें विद द हेल्प ऑफ पैरासिटामोल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हम रेस्ट लें विद आइसोलेशन एंड क्वारंटीनिंग क्वाइटली एट आवर होम्स, बट एक डॉक्टर के साथ आप कॉन्टैक्ट में जरूर रहें। राइट तो मैम, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर के कांटेक्ट में जरूर रहें। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर पाते या डॉक्टर से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता, हम दोनों तरफ से कोई भी चीज़ देख सकते हैं। तो फिर इन गाइडलाइंस में जो छोटी मोटी दवाएं प्रिस्क्राइब की गई हैं, जो थोड़े से SOPs प्रिस्क्राइब किए गए हैं, क्या उसको फॉलो किया जा सकता है खुद से? श्योर। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया कि अगर आपको फीवर है और आप देख रहे हैं कि आपका फीवर 100 से ज्यादा चल रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें। दूसरी बात, पैरासिटामोल की गोली आप खा सकते हैं। कोशिश करिए कि और कोई फैंसी दवाइयां ना खाएं, सिर्फ क्रोसिन की गोली खाएं। ये देखा गया है कि एक इनटेक ऑफ जिंक, जिसको हम कहते हैं, कई प्रकार की आती है,
तो जिंक की जो गोली है 50 मिलीग्राम की अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो हमारे सेल पे वायरस को एंटर नहीं करने देती। विटामिन सी को माना गया है कि बेहतर है अगर आप ले सकें, तो ये सिंपल दवाइयां हैं और यही तक एक कॉमन पब्लिक को समझना चाहिए कि वो अपने आप को आगे बढ़ाएं। इसके बियॉन्ड आगे दवाएं अपने आप बिल्कुल सेल्फ प्रिस्क्राइब ना करें जो डॉक्टर की सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। जी, यहाँ पर इनवरमेक्टिन मैडम और साथ में एसटीक्यूइन, दो दवाओं का भी नाम दिया है, क्या ये मन से ले सकते हैं या डॉक्टर से सलाह करने के बाद ही? देखिए, पैरासिटामोल लीजिए, जिंक का गोली लीजिए और विटामिन सी का गोली लीजिए, मेन ये है। और अपनी सैचुरेशन को ठीक रखिए, अपना खान पान सही रखें, मेन हम यही अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आप यही करें। और विटामिन डी ले सकते हैं, विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन। जी ठीक है मैम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर के अंदर, ऑक्सीजन सेचुरेशन। तीनों ही, चाहे आप माइल्ड में हो, चाहे मॉडरेट में हो, चाहे सीवियर में हो, एक चीज सबसे कॉमन है कि सबसे पहले आपको अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल देखना है। डॉक्टर मिक्की मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मिक्की मेहता, कोविड ना हो तो भी, और कोविड के साथ तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ऑक्सीजन लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस समय तो देश में एक ही वर्ड सबसे ज्यादा बज हो रहा है, वो है ऑक्सीजन। क्या कुछ ऐसे उपाय हैं, हम अभी बाकी मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स पे भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे हम घर बैठे अपने ऑक्सीजन लेवल को, भले ही अभी हम स्वस्थ हैं या फिर हमें किसी तरह का कोई लक्षण है जो हम घर में ही रुक सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल लेवल पे, मॉडरेट लेवल पर है या बिल्कुल ही शुरुआती लक्षण है, अपने ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं या थोड़ा इनहांस कर सकते हैं? तो मैंने आज ही मेरे एक मॉर्निंग मैसेज में मेरे सोशल मीडिया पर लिखा कि कंज्यूम एंड ब्रीद in a lot of free oxygen today so that tomorrow you don't have to queue up to buy it. इसका मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में जितना हो सके उतनी मात्र में ऑक्सीजन का इंटेक ले, ऊर्जा ले, प्राण ले और अपने प्राणों को उत्तेजित करे, मजबूत करे, स्थिर करे। और हम इम्यूनिटी लेके आए, हमारे फेफड़ों में 5 लीटर की हवा, ऑक्सीजन हम भर सकते हैं। तो अगर हम रोज 5 लीटर हवा भर सकते हैं, बायोमैकेनिकली प्राणायाम करते हैं, तो हमारा डायफ्राम 12 से 13 सेंटीमीटर जब ऊपर से नीचे जाता है और नीचे से ऊपर आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर जाती है, ऑक्सीजन पूरा अंदर आता है। हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में, हमारे डीपेस्ट सेल्युलर लेवल को ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है। उससे आपको कभी भी ऑक्सीजन की तंगी नहीं होगी। ये ऑक्सीजन मुफ्त का है, ये लीजिए, योग में यही बता दें। दूसरी बात मल्टीविटामिन्स की, तो अनार एक ऐसी फ्रूट है जिसमें इतने सारे विटामिन्स हैं कि भल भली बीमारियां और पीड़ाओं का नष्ट कर सकती है। तो आजकल मॉडर्न डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट और जितने भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट है अनार के लिए, फ्रूट्स के लिए, जितने भी एंटासिड अल्कलाइन फ्रूट्स हैं उसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। मस्क मेलन, हनीड्यू मेलन, अपना ग्रेप फ्रूट और हमारा अनार, एक अनार एक अरब बीमार को ठीक कर सकती है। तो अनार एक ऐसी चीज है। योग निद्रा, आराम एक सबसे बड़ी औषध है, क्योंकि आराम में सारा रिपेयर व दुरुस्ती होती है, तन की दुरुस्ती होती है, मन की दुरुस्ती होती है। तो तन की दुरुस्ती, मन की दुरुस्ती, तंदुरुस्ती आराम से होती है, और वो आराम जब आनंद में हो, रात की नींद, एक अच्छी योग निद्रा हो जिसमें आपको सुषुप्ति की नींद आए, तो आप 8:30-9 बजे में सो जाए, और 96 मिनट्स बिफोर सनराइज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, तो ऐसी ऊर्जा की उपलब्धि आपको होगी। सूर्य के किरणों के साथ सेरोटोनिन की रिलीज होगी, सूर्य की किरणों के साथ हैप्पीनेस, जॉय की रिलीज होगी, और ये सारी चीजें आपके एंडोक्राइन को इस तरह स्टिम्युलेट करती हैं कि हमारे बॉडी में इतनी इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, हमारे टी सेल्स, हमारे बी सेल्स बड़ी तादाद में जन्म लेते हैं। इंटरलिकन 2, इंटरफेरॉन्स, ये सारी चीजें प्राणायाम में और हास्य में और संगीत में निकलता है। जो एक एक वायल $5,000 कभी $10,000 की मिलती है, जो कैंसर को ठीक करती है,
और वो हास्य से अपने आप अपने बॉडी में रिलीज होती है। तो ध्यान अगर करें, सिंपल ध्यान करें, तो सिकोड़ा हुआ बॉडी जी जी आराम से ठहर जाता है, स्वयं में स्थित हो जाता है, स्वयं में उपस्थित हो जाता है, जागृत हो जाता है, स्वयं में होना, स्वयं को होने देना। तो वही भाव में हमारी इम्यूनिटी बहुत आसमान के चरण चढ़ती है। तो ये सारी चीजें, और जब भी हम चांटिंग करते हैं तो चांटिंग में हम जितने भी चांट्स बोलते हैं उसके टोनैलिटी, एक्सप्रेशन और उसकी आवाज से जो बिल्कुल अंदर पॉलीवेगस नर्व से निकलती है, जो हमारे नेवल के पीछे होती है और पीछे एओर्टा होता है, उसको वाइब्रेट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को वाइब्रेट करते हुए, एपिग्लोटिस को वाइब्रेट करते हुए एक वाणी बनती है, जिससे हमको वाक सिद्धि मिलती है, वचन सिद्धि मिलती है और सारे कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। तो ऐसी हम वाणी करें मंत्रों से, जिससे हम ऐसा कवच बांधे हमारे इर्द गिर्द, हमारे गोल, कि हमें कोई बीमारी कभी टच ना कर सके। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है, ये मॉडर्न साइंस से वैलिडेट हो चुका है। बाबा रामदेव, फिर हमारे श्री श्री रविशंकर जी, फिर हमारे सदगुरु जी, माँ हंसा जी ऑफ योगा इंस्टीट्यूट, ये सारे लोग ने सिद्ध कर चुका है साइंटिफिकली कि हमारा जो योग है वो अति उत्तम है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर मिकी सर बता रहे हैं, देखिए दो तीन बातें तो मुझे समझ में आ गई जो सिंपल है। मैं आप जब बता रहे थे तो ऑनलाइन रेट ही देख रहा था अनार का, कि आपके बोलते बोलते बढ़ तो नहीं गया, खैर मजाक की बात है। तो अनार आपको एक खाना है, क्योंकि ये आपके लिए मल्टीविटामिन का काम करेगा, कुछ और फ्रूट्स के भी आपने नाम लिए, अनार मिले तो बेहतर है। आपको नींद अच्छी लेनी है, अब इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है या बहुत बड़ी वो चीज़, साइंस से मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई अलग से प्रयास नहीं करना है, सोते तो आप रोज है, थोड़ा टाइम टेबल बना के ढंग से सो लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी ऐसे ही बूस्ट होगी बहुत बढ़िया तरीके से। और साथ में आपने कहा कि हल्का सा योग प्राणायाम, जिसमें चैंटिंग अगर आप करते हैं तो आपके इम्यून सिस्टम को मदद मिलेगी, और ये सारी चीजें आपके शरीर के ऑक्सीजन लेवल को रिच करती हैं, जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस पे और बातचीत होगी, आपसे हम कुछ योग टेक्निक भी सीखेंगे कि ब्रीदिंग कैसे करना है ऐसे समय पे। मैंने सुना है कुछ उल्टे लेट के ब्रीथ करते हैं और कुछ पोजीशंस बदल के ब्रीथ करते हैं तो उससे आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ये तो एलोपैथी मेडिकल साइंस में भी इन दिनों काफी सारे चार्ट्स बन के आ रहे हैं, वो आपसे पूछूंगा। लेकिन एक बार फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं। मैम अब मॉडरेट पे आते हैं, मॉडरेट के लिए जिन्हें मॉडरेट सिम्टम है उनके लिए गाइडलाइन क्या कहती है मैम? देखिए जो मॉडरेट सिम्टम्स जब आते हैं मरीज को, तो एक ऐसी सिचुएशन होती है दैट ही मस्ट फॉल बैक एक मेडिकल सिस्टम के ऊपर। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि जब मॉडरेट सिम्टम आने से पहले हम जरूर चाहेंगे कि जो पहले डॉक्टर साहब ने बताया वो सारे हम योगा आसन करें ताकि हमारे लंग्स खुले रहें। अगर हम वो करेंगे तो कोशिश है कि हम मॉडरेट तक ना पहुंचे। मॉडरेट हम उसको कहते हैं कि पेशेंट का अगर बुखार नहीं टूटता, उसको तेज बुखार चलता रहता है 5 दिन के ऊपर भी। दूसरा हम देखते हैं कि पेशेंट का पल्स रेट बहुत तेज चल रहा है। पल्स रेट एक बहुत सिंपल सा लक्षण है और पल्स रेट एक ऐसी चीज है जो बताता है कि हमारी शरीर की कंडीशन सही नहीं है। तो पल्स रेट को नापना बहुत जरूरी है, और अगर पल्स रेट पेशेंट का कॉन्स्टेंटली 100 से ऊपर चल रहा है वो बताता है कि पेशेंट की कंडीशन सही नहीं है। तीसरी चीज पेशेंट का सैचुरेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अगर हम ऑक्सीमीटर लगाते हैं और हम ऑक्सीमीटर पे नापते हैं और ऑक्सीमीटर बता रहा है कि अब पेशेंट का सैचुरेशन 93 से नीचे जाने लगा है, अब 90 और 93 के बीच में रहने लगा है। चौथी बात, जब पेशेंट से हम बात करें और हम देखें कि पेशेंट अपने सेंटेंसेस पूरे नहीं बोल पा रहा है और उसको सांस फूल रही है, ये सब लक्षण है कि पेशेंट मॉडरेट डिजीज में जा रहा है। प्लस जैसे कि पहले बताया हमने कि हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर पेशेंट का फीवर नहीं टूट रहा है तो हम 4th या 5th दिन ब्लड टेस्ट करते हैं और उसको हम फिर से रिपीट करते हैं 48 घंटे में। अगर वो ब्लड टेस्ट का ट्रेंड भी बताता है कि पेशेंट की जो इन्फेक्शन है कंट्रोल में नहीं आ रही है और वायरस रेप्लिकेट कर रहा है, इसका मतलब कि पेशेंट मॉडरेट डिजीज में जा रहा है। अभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। पेशेंट की ऑक्सीजन की जैसे जरूरत पड़ती है, पेशेंट हैज टू डिपेंड कि डॉक्टर के साथ वो कनेक्टेड रहे। इस स्थिति में पेशेंट को
चांसेस हैं कि स्टीरॉयड की भी जरूरत पड़ सकती है और ब्लड थिनर्स की जरूरत पड़ सकती है। टीवी पे मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि ये दो चीजें ऐसी हैं कि पेशेंट को स्वयं नहीं खानी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए इन दवाइयों को शुरू करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है इलनेस में, और ओवर द काउंटर लेकर के इन्हें स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर आपके लक्षण इसमें है, मतलब कि आपको कंटिन्यूस फीवर चल रहा है, 5 दिन हो चुके हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रहा है और आपको लंबे सांस लेने में दिक्कत, बात करने में दिक्कत आ रही है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना होगा, क्योंकि वो चाहें कि हो सकता है आपका सीटी स्कैन करवाना चाहें, आपके ब्लड टेस्ट कराने चाहें, क्योंकि हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं। सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट देने से हम मॉडरेट को सीवियर में जाने से रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। इनफैक्ट ये गाइडलाइन ये भी कहती है कि जरूरत है तो आपको भर्ती किया जा सकता है, जो आप कह रही कि आपके डॉक्टर आपको फाइनल जवाब दे देंगे। मैम मैं ब्रेक लूँ, उससे पहले बस एक छोटा सा सवाल दे, एक डेढ़ लाइन में जवाब दीजिएगा कि कोई सिम्टम नहीं है किसी को, मतलब उसे बुखार भी नहीं है, कोई और प्रकार का गला दर्द और स्मेल वगैरह, लेकिन अगर उसका ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है किसी भी रीजन से, तो क्या ये इंडिकेट करेगा कि उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम है या किसी और रीजन से भी ऐसा हो सकता है? ये बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आप ऑक्सीमीटर को लगाएं और आप रीडिंग एक देखते हैं कि मेरी रीडिंग 88 आ गया, नहीं घबराना है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, उसको दोबारा लगाइए, ठीक तरह से फिट करिए, पैनिक मत करिए, क्योंकि ऑक्सीमीटर जो है कई बार ना फिट होने से एक गलत रीडिंग दे सकता है। दूसरा, हो सकता है मशीन भी डिफेक्टिव हो। तीसरी बात, कुछ लोगों को पहले से कुछ बीमारियां होती हैं, हर चीज अब हमें कोविड की तरफ प्रति ही नहीं सोचना है, ऐसा हो सकता है कि आपको एक अंडरलाइंग लंग की डिजीज हो और आप एक कंडीशन में जी रहे हो जो आपका बॉडी एक्लिमेटाइज हो गया हो, आपकी सैचुरेशन कम रहती हो, तो इसलिए पैनिक नहीं करिएगा। कुछ लोगों को पहले से ही हार्ट या लंग डिजीज हो सकती है। चलिए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि कई बार सिर्फ ब्लड ऑक्सीमीटर के कारण बहुत सारे लोग इतने पैनिक में आ जाते हैं कि उनकी तबीयत दूसरे तरीके से खराब होने लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता था कि सिर्फ एक अकेला ऑक्सीजन लेवल सबको डिसाइड नहीं कर देगा, बाकी सिम्टम्स को भी देखिए, अच्छे से ऑक्सीजन चेक कीजिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और डॉक्टर साहब भी आ गए हमारे साथ, जुड़ गए हैं, तो पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात हो रही है कोविड मैनेजमेंट गाइड की, जो कि आई है ICMR और एम्स की तरफ से। आप उस गाइडलाइन के हिसाब से खुद ही पता लगा सकते हैं कि आप इस वक्त किस हालात में हैं, आपको किस तरह के सिम्टम्स हैं और आपको करना क्या चाहिए। छोटी मोटी दवाइयां भी उसमें प्रिस्क्राइब की है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप उन्हें लेंगे, ये भी लिखा है। लेकिन आपके लिए एक मोटी गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन को अच्छे से समझाने के लिए आज हमारा पूरा डॉक्टर्स पैनल यहां पर मौजूद है। डॉक्टर चावला भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजेश चावला, तो हमने माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम पे तो बात कर ली, लेकिन जो सबसे खतरनाक है, जहां पर ज्यादातर लोगों की जाने जा रही है, वो है सीवियर सिम्टम। हम समझना चाहेंगे कि इस गाइडलाइन के हिसाब से सीवियरिटी का पैमाना क्या है और तब क्या करना चाहिए। देखिए, सीवियरिटी वो होती है जब पेशेंट इसमें ज्यादातर या तो उसे बहुत ऑक्सीजन की जरूरत है, जैसे उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 90 से कम है, उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है
2-3 लीटर से ज़्यादा है और उसको 10 लीटर 8 लीटर या उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सैचुरेशन को मेंटेन करने के लिए, सांस फूल रहा है, छाती में दर्द है, या कई लोगों को स्ट्रोक भी होता है, या उसको कोई कार्डियक सिम्टम्स हैं, ये सब सिवियरिटी के सिम्टम्स हैं। और ज़्यादातर लेकिन रेस्पिरेटरी की बीमारी है, इसमें निमोनिया सबसे ज़्यादा और ARDS जो बोलते हैं वो होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ICU में एडमिट करना पड़ता है, उसको किसी तरह की सपोर्ट जैसे कि हाई फ्लो नेजल कैनुला या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, और कुछ व्यक्तियों को वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है। क्योंकि अभी इस पेंडेमिक में एब्सोल्यूट नंबर बढ़ गए हैं, हालांकि परसेंटेज उतनी है जो सीरियस होते हैं, बट उनके जो नंबर ऑफ पेशेंट जिनको सीरियसनेस आ रही है उनका तादाद बहुत बढ़ गई है, तभी से ये जो सिस्टम है थोड़ा चरमरा गया है और चारों तरफ एक आदमी को अपने बिस्तर के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप सही समय पे, अभी मैं सुन रहा था कि सही समय पे डॉक्टर की सलाह से आप लेते हैं तो काफ़ी लोग ये सीवियरिटी में जाने से बच सकते हैं। राइट डॉक्टर साहब, एक फटाफट छोटा सा सवाल आपसे कि आज ही जो है वो कैडिला की जिस दवाई की चर्चा काफी दिनों से हो रही थी उसको अप्रूवल मिल गया है, वायरोफिन नाम की ये दवा है जो कि जल्द हम बाजार में देखेंगे, आप उम्मीद करते हैं कि इससे रिकवरी रेट में बहुत हमें सुधारने में मदद मिलेगी, क्योंकि दवा के नाम पर अभी तक हमारे पास कुछ नहीं था। नहीं देखिए, ऐसा है कि अभी कोई बहुत ज्यादा कोई दवाई नहीं आई है, जैसे टॉसिलिज़ुमैब, रेमडेसिविर, ये सब दवाएं शुरू में कारगर कहते हैं, बाद में पेपर्स आते हैं कि ये कारगर नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा रोल है। ज़्यादा मैंने जो देखा है पिछले दो वर्षों से मैं इन पेशेंट्स को मैनेज कर रहा हूँ, 1500 पेशेंट के करीब देखे होंगे, इसमें पेशेंट की अपनी जो इम्यूनिटी है, अगर उसको कोमोबिडिटीज हैं और इम्यूनिटी अच्छी है, वही मैटर करती है सर मेरा, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, बस मैं आपसे जानकारी चाह रहा था क्योंकि आज ही अप्रूवल मिला है। डॉक्टर मेहता, समय बहुत कम रह गया, विद इन 50 सेकंड मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ एक दो ब्रीदिंग टेक्निक जिसकी वजह से आप अपने ऑक्सीजन लेवल को बढ़िया मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि दवाएं ICU ये सब बात की चीजें हैं, पहले आपके हाथ में जो है वो कीजिए। तो मैंने एक साल पहले पूरे कोविड के लॉकडाउन में एक नई ब्रीदिंग टेक्निक डिजाइन की थी जिसको बोलते हैं पॉइजन बी, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन सीडिंग ऑप्टिमल नेजल ब्रीदिंग। उसको ऐसे करते हैं, मुंह बंद करके आराम करने के बाद फिर से एक बार, आज 10 बार स्लो ब्रीदिंग, ये अगर 3-4 बार करें तो ऑक्सीजन की तादाद और प्रमाण बहुत बढ़ जाएगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, बॉडी में ऊर्जा और प्राण की पावर आ जाएगी, एक हेल्थ फोर्स अंदर से उसकी उपलब्धि हो जाएगी और आपका जोश इतना बढ़ जाएगा। तो मिकी साहब बहुत बहुत, क्योंकि मेरे पास समय क्योंकि बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन आपने ये जो 10-20 सेकंड में जो ब्रीदिंग टेक्निक बताई मुझे लगता है सारे लोगों ने अच्छी तरह देख लिए, दोबारा YouTube पे भी जाके देख सकते हैं, प्रोग्राम वहां अवेलेबल रहता है, Facebook के इंटरनेट कहीं पे भी, और आई होप कि ये टेक्निक आप घर पे अपनाएंगे तो जरूर आपको मदद मिलेगी। बाकी क्या गाइडलाइंस आई है वो हमारे डॉक्टर्स पैनल ने आपको अच्छी तरह समझा दिया है, ठीक से आप दोबारा पढ़ लीजिए, वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी, एम्स की वेबसाइट पर मिल जाएंगी और सोशल मीडिया में कहीं भी ढेरों जगह ये छप गई है, इसकी भरमार है, कहीं से भी आप देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आपसे यही निवेदन है कि सजग रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और जो बातें बताई हैं इनको जरूर अमल में लाइए। आप तीनों का ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार।